मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, माई सेल्फ पूजा, योर जीके टीचर। स्टूडेंट्स, आज की जीके की क्लास में हम लेसन वन का रिवीजन करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जीके का कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट लेसन है बी पोलाइट, वी नम्र बने। इन योर सोसाइटी यू शुड बी अवेयर फॉर द सोशल कस्टम, एटिकेट एंड बिहेवियर। आपके समाज में आपको सामाजिक रीति रिवाजों, शिष्टाचार और व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए। टिक द गुड मैनर्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। आपको गुड मैनर्स पर टिक लगाना है, राइट लगाना है, और बाकियों पर रॉन्ग लगाना है। फर्स्ट देखिए बच्चों, स्पीकिंग और लाफिंग वेरी लाउडली। क्या आपको बोलना और हंसना बहुत तेजी से चाहिए? बोलिए बच्चों, क्या आपको लोगों के सामने तेजी से हंसना और बोलना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर आएगा रॉन्ग। हमें कभी भी तेजी से बोलना और हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम तेज बोलते हैं और तेजी से हंसते हैं तो लोग हमें क्या समझेंगे? पागल समझेंगे। ठीक है, तो हमें कभी भी तेज नहीं बोलना चाहिए और ना ही तेज हंसना चाहिए। सेकंड देखिए, ऑफरिंग योर सीट टू एन एल्डरली पर्सन और अ लेडी। देखिए बच्चों, जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको आपके सामने बहुत से बूढ़े आदमी और बूढ़ी महिलाएं दिखती है, तो आपको क्या अपनी सीट उन्हें ऑफर करना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर आएगा राइट। जब आप अपने सामने किसी बूढ़े महिला और बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो आपको अपनी सीट उन्हें ऑफर करनी चाहिए। थर्ड देखिए बेटा, यूज स्लैग बैड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। आपको दुर्वचन मतलब कि कठोर वचन और इशारों का यूज़ करना चाहिए। जब भी आप अपने मित्रों से बात करते हो तो क्या आपको बैड वर्ड्स का और गलत गलत इशारों का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा रॉन्ग। हमें कभी भी किसी के साथ बैड वर्ड्स और गलत इशारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत इशारे कैसे होते हैं? किसी को नाक नहीं चिढ़ानी चाहिए, किसी को मुंह नहीं चिढ़ानी चाहिए, किसी को जीभ नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इशारे हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। फोर्थ देखिए बेटा, स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंसेस। आपको क्या करना चाहिए? शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने चाहिए, मतलब कि आपको बोलते वक्त, ठीक है, ये नहीं कि आपको लगातार बोलते रहना चाहिए, नहीं, आपको शॉर्ट सेंटेंस में अपनी बात को बोलना चाहिए। ठीक है, अगर हम निरंतर बोलते रहेंगे, ठीक है, तो लोग क्या समझेंगे? हम तो बहुत बातूनी हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट पर्सन वही होते हैं जो कम वाक्य में अपनी बात को बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंसेस, तो यहाँ पर आएगा राइट। फिफ्थ देखिए बच्चों, मेक आई कॉन्टेक्ट विद योर ऑडियंस व्हिल यू आर स्पीकिंग। जब आप बोलते हो तो आपको अपनी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा राइट। देखिए बेटे, मान लीजिए अगर कहीं फंक्शन है और आपको एक स्पीच देनी है, तो क्या आपको वो स्पीच, ठीक है, इधर उधर देख के बोलनी चाहिए या फिर ऑडियंस के सामने? ऑडियंस कहाँ होती है, आपके साइड में होती है या आपके सामने होती है? ऑडियंस बिल्कुल आपके सामने होती है। ठीक है, तो जब भी हम कोई स्पीच दे रहे हैं तो आपको इधर उधर ना देखकर, हमेशा सामने देखकर, अपनी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाकर अपनी स्पीच को बोलना चाहिए। ठीक है, तो मेक आई कॉन्टेक्ट विद योर ऑडियंस व्हिल यू आर स्पीकिंग, तो यहाँ पर आएगा राइट। सिक्स्थ देखिए बच्चों, ओनली वांटिंग टू टॉक अबाउट इंटरेस्ट्स एंड योर फैमिली। क्या आपको हमेशा अपने हित के बारे में और अपने परिवार वालों के हित के बारे में बातें करनी चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर आएगा रॉन्ग। आपको
दूसरों के बारे में भी बातें करनी चाहिए। आपके आसपास अगर कोई फ्रेंड बीमार है या फिर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको औरों को भी देखना चाहिए। हमेशा अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपने लिए और अपने परिवार वालों के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी बात करनी चाहिए। देखिए बच्चों, सेवन्थ है बीइंग केयरलेस एंड स्लॉपी विल ईटिंग। खाना खाते वक्त आपको लापरवाही बरतनी चाहिए क्या? जब आप खाना खा रहे हो तो आपको लापरवाही दिखानी चाहिए? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आएगा रॉन्ग। जब भी आप खाना खाते हो तो आपको लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाने में लापरवाही दिखाएंगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप खाना खाएं लापरवाही बिल्कुल भी ना दिखाएं। एट्थ देखिए बच्चों, मंबल और स्पीक अंडर योर ब्रेथ। अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाना या बोलना, जब भी आप सांस लेते हो तो क्या आपको उसके साथ बड़बड़ाना चाहिए या फिर बोलना चाहिए? तो देखिए बच्चों, नहीं, यहाँ पर आएगा रॉन्ग। जब भी आप सांस लेते हो तो आपको नहीं बड़बड़ाना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। नाइन्थ देखिए, क्रिटिसाइजिंग द फूड द ड्योर द होस्ट और देयर गेस्ट। देखिए बच्चों, भोजन करता मतलब कि भोजन बनाने वाले जो होते हैं, ठीक है, यजमानों के सामने, ठीक है, मेहमानों के सामने, क्या आपको उनकी आलोचना करनी चाहिए? क्या आपको ये कहना चाहिए कि बार बार आ जाते हैं, क्यों आते हैं हमारे घर? क्या आपको उनके सामने ऐसे बोलना चाहिए? नहीं, यहाँ पर आएगा रॉन्ग। जब भी आपके घर कोई आता है, गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, या फिर आपके घर में और भी बहुत से लोग होते हैं जो आपके घर का काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी आलोचना कभी भी नहीं करनी चाहिए। टेंथ है बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक विद कन्विक्शन। जब भी आप बोल रहे हो कुछ, ठीक है, तो आपको दृढ़ विश्वास के साथ बोलना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा बच्चों राइट। जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आपको बोलना चाहिए। इलेवेंथ है ओवर रिएक्टिंग एंड सर्विंग योर सेल्फ टू मच एट अ टाइम। आपको ओवर रिएक्ट करते हुए आपको भोजन जो है अपने आप परसना चाहिए, मतलब कि आपको भोजन अपनी प्लेट में अपने आप करना चाहिए और बहुत सारा कर लेना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आएगा रॉन्ग। आपको कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं दिखाना चाहिए। आप जब भोजन कर रहे हैं तो आपको उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो। अगर आप ज़्यादा भोजन लोगे तो क्या होगा, अगर आप ज़्यादा भोजन लोगे तो वो भोजन आपसे खाया नहीं जाएगा और आपको वो फेंकना पड़ेगा, तो वो भोजन क्या होगा, वेस्ट ही तो होगा। तो क्या करना चाहिए, आपको कभी भी अपने आप सर्व नहीं करना चाहिए, खासकर छोटे बच्चे। जो बड़े होते हैं वो उनको थोड़ा देते हैं ताकि वो खा सके। अगर आपको और चाहिए, आपने खा लिया है तो आप दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी अपने आप खाना परसना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा परसना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो अपने आप नहीं परसना चाहिए और कभी भी ज़्यादा नहीं परसना चाहिए। ट्वेल्थ है बच्चों, स्पीक एट द सेम स्पीड वॉल्यूम और पिच फॉर लॉन्ग। देखिए बच्चों, एक ही गति, आयतन या पिच पर लंबे समय तक बोलें। देखिए बच्चों, जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं कि आप जल्दी 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 बोलें, नहीं, ऐसा नहीं। आपको आपकी जो बोलने की गति है, ठीक है, आपकी जो बोलने की स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, आपको मिडिल में बोलना चाहिए। मतलब कि आपके बोलने का की जो गति है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप तेज तेज बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो क्या होगा, आप थक भी जाएंगे और लोगों को समझ भी नहीं आएगा। और आप धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये चींटी की चाल तो चल रहे हैं, हम इन्हें क्या सुने। तो हमें हमेशा बोलते टाइम हमें सेम स्पीड में बोलना चाहिए, ठीक है, मतलब कि
आपको ऐसे बोलना चाहिए कि लोगों को अच्छी तरह समझ में आए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे, और आपकी वॉल्यूम भी ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा धीरे हो, और आपकी स्पीड और वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, राइट। अब यहाँ पे आपसे पूछा था स्पीक एट द सेम स्पीड वॉल्यूम और पिच द लॉन्ग। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपकी बोलने की गति और वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो एक होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल राइट। थर्टीन देखिए बच्चों, स्टैंडिंग अप व्हेन पीपल ओल्डर देन यू एंटर द रूम। जब आपके रूम के अंदर आपसे बड़े प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको उनकी रिस्पेक्ट में खड़े होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा बच्चों बिल्कुल सही, जब भी आपसे बड़े आपके रूम के अंदर एंटर करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट में आपको खड़े होना चाहिए। 14th देखिए, डू नॉट प्रिंट एनीथिंग अननेसेसरीली। जब आपको आवश्यकता ना हो तो आपको कभी भी लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक आपको कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है डू नॉट प्रिंट एनीथिंग अननेसेसरीली, तो यहाँ पर आएगा राइट। 15th देखिए, अवॉइड ट्रैवल बाय एयर इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो सके तो आपको एयर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल सही। अगर पॉसिबल हो सके जहाँ तक आपको एयर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हवाई जहाज़ में जैसे हम यात्रा करते हैं तो हमें ऐसी यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आज हमने चैप्टर 1 का रिवीजन किया। आपको ये चैप्टर 1 अच्छी तरीके से लर्न करना है, ठीक है, ताकि मंडे को जब मैं आपका टेस्ट लूँ तो आप इस टेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह कर पाएँ। तब तक के लिए बच्चों आप इस लेसन को लर्न करें। बाय।